कुछ दिन पहले हमने आपके साथ नान की रेसिपी शेयर की थी और चना मसाला भी दिखाया था, तो आज वही चना मसाला बनाने जा रहे हैं। मैंने रात भर चने को भिगोया था और इसको उबाल लिया है। अब आप अंदर एक पोटली देख सकते हैं, इस पोटली में खड़े मसाले हैं, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। तो ये सब डाल के और नमक डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था। ये पोटली मैं निकाल लूंगी और अब हम तड़का लगाएंगे इसमें। हम लोग ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लेते हैं, तो इसमें से 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा। ये 3 मीडियम प्याज हैं, मोटे मोटे काट लिए हैं, और 3 टमाटर हैं जो हमने बड़े बड़े काट लिए हैं। ये सब पिसेगा इसीलिए इसको हमने मोटा मोटा काटा है। तो सबसे पहले हम तेल रखेंगे गैस पे और ये तड़का तैयार करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम पीसेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है और इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, ये चने मैंने थोड़े से इससे करछी से ही दबा लिए हैं ताकि थोड़ा अच्छे से रल जाए ग्रेवी। और आप देख सकते हैं बहुत मोटे वाले चने हैं, तो हमने मोटे वाले व्हाइट चने का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल जो नॉर्मल पिंडी चना होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं, छोटा वाला जो चना होता है। तो इतने में मेरा तेल भी गर्म हो गया है, मैं अब ये प्याज डाल रही हूँ इसमें। अब ये प्याज ट्रांसलूसेंट होने तक भुनेंगे, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम 1 टेबलस्पून जितना। देखिए ये लाइट पिंक भी हो गए हैं, ट्रांसलूसेंट भी हो गए हैं। तो अब मैं इसमें भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन अच्छा लगता है इसमें, इसलिए अच्छे से डालेंगे। ये देखिए ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसमें, और अब हम इसको भी भूनेंगे तब तक जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाएंगे सारी चीजें। तो इसको लाइट ब्राउन होने तक भून के उसके बाद फिर हम लोग टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे इसमें। प्याज हो गए हैं देखिए हमारे अच्छे से, प्याज लहसुन अदरक, अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी काटनी हमने, और टमाटर जैसा कि मैंने बताया था आपको 3 टमाटर। तो अब इसको भी कर लेंगे जब तक कि तेल नहीं निकलने लगेगा, तब तक पकाएंगे इसको। एक बार तेल निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा चना मसाला डालेंगे। तेल निकलने से भी थोड़ा सा पहले थोड़ा नमक भी डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से भुनने लग जाए। नमक से थोड़ा जल्दी होता है, खाली अभी इसके लायक ही डालेंगे क्योंकि हमने चने में भी नमक डाला हुआ है। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि कुटी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से भी बेटर होती है टमाटर को जल्दी से गलाने के लिए। देखिए ये 1/2 चम्मच से कुटी लाल मिर्च डाल दी मैंने, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भुनेंगे, उसके बाद फिर चना मसाला भी डाल देंगे। देखिए ये मसाला काफी कुछ गल गया है, अभी ऑयल नहीं सेपरेट हुआ है पर टमाटर वगैरह गल गया है, तो मैं इसमें अब चना मसाला डाल रही हूँ। अगर हम सिर्फ नॉर्मल चना मसाला वाले छोले बना रहे होते जो ब्लैक से कलर के बनते हैं तो हम ज्यादा डालते, पर ये हम बनाएंगे दूसरे किस्म का मसाला बनाएंगे जो कि काजू पेस्ट और क्रीम वगैरह डाल के बनता है, तो इसलिए सिर्फ 1 चम्मच चना मसाला टेस्ट के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको जरा सा इसमें पानी डाल के, इनफैक्ट वो चने का ही पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि ये चिपके नहीं। एक कच्ची पानी डाल दिया मैंने और इसको कम सेक पर ऑयल सेपरेट होने तक भुनेंगे। डालने को हम ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं लेकिन क्रीम वगैरह सब डालना है, बहुत भारी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी सही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं। अब ऑयल सेपरेट होने की वेट करेंगे और फिर आगे
एक बार इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे ठंडा होने के लिए. ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे. तो ऑयल सेपरेट होने के बाद, ठंडा होने के बाद जब पीस जाएगा फिर हम वापस आएंगे और आगे बनाएंगे इसको. देखिए ठंडा हो गया था, मसाला पेस्ट बना दिया है मैंने और इसमें सिर्फ एक टीस्पून ऑयल डाला है मैंने अब कढ़ाई में. और ये तीन चार हरी मिर्चें साबुत ही डाल रही हूँ, ना हमने इसे काटा है ना कुछ. कुछ लोग जो हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये हमने साबुत डाल दिया है. थोड़ी सी ये तड़क जाएगी तो ये मसाला डाल देंगे इसमें. कम सेक पे रखा है क्योंकि ये तड़कती है. देखिए आवाज फटती है तो आंख में या कहीं भी जाने का इसके दाने खतरा रहता है. और बहुत ज्यादा हम करेंगे भी नहीं इसको, बस ये तड़क गई. अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे. ये देखिए बहुत जल्दी फटती है क्योंकि फूल जाती है हीट की वजह से. इसमें जो मसाला बचा है हल्का सा दो बूंद पानी डाल के ये मसाला भी डाल देंगे हम. और इसको दो तीन मिनट भूने हुए तेल निकलने तक. ये देखिए ऑयल हल्का हल्का से निकलने लगा है. बहुत ज्यादा हमने डाला नहीं था तो बहुत निकलेगा भी नहीं. अब हम इसमें काजू का पेस्ट डाल रहे हैं. ये देखिए डेढ़ टेबल स्पून जितना मेरे पास काजू का पेस्ट है ये डाल के. और ये भी निकाल लेंगे हम पानी से थोड़ा सा ताकि ये वेस्ट ना, सारा काजू का पेस्ट आ जाए. हमने इसको मिक्स करके आप थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें देसी घी भी डालेंगे. पर पहले इसको पकाएंगे थोड़ा सा फिर घी डालेंगे. ये एक चम्मच जितना घी डाल रहे हैं हम, ये देखिए. और मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से और अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये काजू की पेस्ट भी पक जाए अच्छे से. इसमें एक दो मिनट पका के फिर क्रीम डालेंगे और फिर चने. डेढ़ दो मिनट हो गया है अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे. ये देखिए तकरीबन मैंने दो ढाई टेबलस्पून जितनी क्रीम डाल दी है इसमें. और इसको भी अब मिक्स करके थोड़ा सा चलाएंगे जब तक ये क्रीम थोड़ा घी सा नहीं छोड़ देती. और आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं टेस्ट की, सेम ही टेस्ट आएगा. क्योंकि शायद घर की मलाई और ज्यादा प्योर होती है और भी ज्यादा अच्छा लगे उससे. या आप व्हाइट मक्खन भी डाल सकते हैं. और अच्छी सी खुशबू आ रही है अब इसमें क्योंकि इसमें क्रीम भी है और लहसुन अदरक भी है और इसमें काजू का पेस्ट भी है. तो बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है. और अब छोले मिक्स करेंगे इसमें आधा एक मिनट और चला के कम से कम. देखिए अब इसमें अच्छे से ऑयल निकलने लगा है, ये चिपक भी नहीं रहा. तो अब हम इसमें छोले डाल देंगे और खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे साइड में भी जो मसाला है ताकि वो भी मिक्स हो जाए. इसमें वैसे हल्दी भी डलती है लेकिन मैं हल्दी का तड़का ऊपर से अलग से लगाती हूँ तो ये थोड़े सा एक दो उबाला आ जाएगा तो फिर मैं इस पे हल्दी का तड़का भी लगाऊंगी. ये देखिए जब तक दूसरी गैस पे बन रहे हैं छोले हम यहाँ पे तड़का लगा देंगे. थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे और मैं इसमें जीरा और हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला. गरम मसाला इनफैक्ट हम ऊपर से लास्ट में ही डालेंगे जब सर्व करने लगेंगे तब. एक चम्मच जीरा डाल देंगे हम, तेल गरम हो गया ये जीरा तड़क जाएगा तो फिर हल्दी डालेंगे.
रखने लगे हैं और उसमें हल्दी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करके और फटाफट से ताकि हल्दी जले नहीं छोलों में डाल देंगे इसको छोलों में डाल दिए और इसको निकाल देंगे छोले अच्छे से मिक्स करके वापस यहीं पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये से थोड़ा सा कम है इस पर अच्छे से बन जाएंगे ये देखिए अब इसमें कलर भी कितना अच्छा सा आ गया येलो सा कलर आ रहा है अब इसको एक दो उबाले देंगे अगर आप इसको पतला बनाना चाहें चावल के साथ खाना चाहें तो पतला बना सकते हैं क्योंकि हम नान के साथ खा रहे हैं तो इसीलिए हम इसको और पतला नहीं करेंगे जो इसमें पानी था छोलों में बस वही पानी हमने यूज किया है तो दो तीन उबाले आ जाएंगे जब तब हम इसको डिश आउट करके उसके ऊपर धनिया से और गरम मसाले से गार्निश करके और फिर नान के साथ सर्व कर देंगे तो ये लीजिए हमारा चना मसाला तैयार है और हमने उसके साथ साथ बटर नान भी तैयार कर ली है तो आप भी बनाइए नौश फरमाइए बहुत स्वाद लगेगा आपको भी लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन कमिंग बैक थैंक यू सो मच बाय बाय